আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। काल मैं हूँ रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम कनेक्शन पर। आज मैं आप सभी के चहेते सजेशन पर रिएक्ट करने के लिए वापस आ गया हूँ एक हफ्ते के छुट्टी के बाद, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपके सजेशंस पर रिएक्ट करूँ। आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ गया ये गायब हो गया बंदा, ये बंगाली बंदा, या बंगालियों की बात ही अलग है, लेजी होते हैं यार सारे के सारे, कुछ भी काम नहीं करते हैं, हमारे सजेशंस नहीं करते हैं, मतलब इतने वेले लोग हैं। काम करते ना सब्सक्राइब करते थे इसको, उसके बाद आप सोच रहे होगी अगर ये बंदा उसके बीच एक वीडियो लेकर आ गया तो क्या होगा, है ना। बिल्कुल सही सोचा आपने। इससे पहले कि आप सब्सक्राइब करें, मैं आपके सारे सजेशंस पर धीरे धीरे रिएक्ट करूँगा, लेकिन अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, प्यार बांटते रहिए यार। भाई बंगाली हूँ लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी वाला है ना, इंसान वाला है, तो प्यार तो उतना ही करता हूँ आप लोगों से। तो इसलिए मैं आ गया हूँ सन ऑफ मंजीत सिंह के ट्रेलर को लेकर। ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड और सजेशन था बहुत हफ्ते पहले से, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली आई एम गोइंग टू डू इट। और इसमें स्टार कर रहे हैं कपिल शर्मा और गुरप्रीत घुग्गी। सो ये पंजाबी मूवी है, बहुत ही रीसेंट मूवी है। सो कपिल शर्मा का मैं एक टाइम पर बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था कॉमेडी नाइट विद सर्कस में, मनजीत सिंह जी इन्हों की जिंदगी दो चीजा ने, एक इन्हों का मुंडा तो दूजा इन्हों का स्कूटर। और मजे की गल यह है दोवे नहीं चलते, स्कूटर सड़क से मुंडा पढ़ाई। पापा ने डिसाइड कर लिया साडा जेवी बनेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओहो पापा कल तक तो मैं मर्चेंट नेवी सीगा। ना पुत सारा कुछ ही भूल जा, हुन ना तू बस मैथ से जोर देना। डैडी मैं कहना कि अपन हफ्ता को ठहर के जोर दे लेने आ। क्यों निकी बताओ दिन में जज बनना होवे। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है। जयवीर ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है तो इस बार भी सारे सब्जेक्ट जो बेड़ा गर्क। वाओ इस गुड ठीक है पढ़ के चल रही ये फालतू चीजें छट पढ़ाई दे जोर दे आ जेड़े भज्जी तो नहीं पढ़दे ना इना च किसी ने भी ये नहीं पास की थी हर इना दे ड्राइवर सारे एमए पास ने। यार मैं ते मुंडे ने जान सकाई पई है यार। यही मेरे वाले संगीत सम्राट दा हाल है, कहंदा कि मैं तबला बजाना सीखना है। एहे जा प्रिंडा वांगू चमेड़ा नु ए भी भूल गया होना तबला गोल हुंदा के चौर सर। ये बंगाली फिल्म का रीमेक है। वाओ उठाने देना तो प्रैक्टिस तो भी नहीं आ रहे। क्रिकेट खेलने का दिल जाने करता दिल नहीं करता ऐसे ग्राउंड्स की कर रहे। बापू दे दिल विच जा ओ तेरे नालों जानवर चंगे हुंदे ने समझाइए समझ जांदे सिखाइए सिख जांदे। आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन पढ़ सकदा पढ़दा ही आ एहसान कीता मेरे ते तो एहसान कीता। अब इसका एक्सीडेंट होने वाला है। जी युवराज धोनी बनना सीगा पर उन बन जाना क्लर्क तानू ते स्कूल नु खुश कर ले। पापा डिपेंड करेंगे के निक्के बच्चियां ते तोतले बोल कि ने चंगे लगदे आ सानू जदों थोड़े बड़े होके अपनी समझ नाल बोलना शुरू करते हैं ओना ही बच्चियां दे बोल सानू बुरे लगन लग पैंदे आ। बहुत सच बात है। My best friend tha aise likhe unhone I also have kafi friends but papa is my best friend I always demand in front of god ji always keep my friend laughing as wow my papa balle balle sab de papa thalle thalle गाइस आपको पता नहीं कि जिस फिल्म का ये रीमेक है इट्स एक्चुअली अ रीमेक ऑफ अ बंगाली फिल्म जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है।
उस फिल्म में स्टार कर रहे थे पुष्यंजीत चैटर्जी और द नेम ऑफ द चाइल्ड एक्टर आई फॉरगॉट द नेम. वो मूवी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. आई लव दैट मूवी. ओके और एक मिनट मुझे थोड़ा सा सर्च करने दीजिए. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी. बहुत दिन पहले मैंने देखा है. पुष्यंजीत क्रिकेट लेट मी सी कम्प्लीटली कॉन्ट रिमेम्बर. इतनी अच्छी मूवी है. इट्स वन ऑफ द वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम बिकॉज इट स्पीक्स सो मच अबाउट जो अभी जिंदगी में हम लोगों के साथ चलता है. आज तक मैंने पहले जब देखना शुरू किया तब मुझे उतना रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है और उसके पापा इसके अगेंस्ट है, तो मुझे वो पूरी कहानी याद आ गई है. और आई कैन टोटली यस चोलो पालटाई. लवली फिल्म. ओके यू नीड टू वॉच दैट फिल्म. इफ आप लोगों ने नहीं देखी ऑब्वियसली आप ये फिल्म तो देखोगे ज़रूर. और इस फिल्म के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस फिल्म लुक्स रियली अमेजिंग. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. लेकिन जो बंगाली फिल्म का जिस फिल्म का ये रीमेक है वो बंगाली फिल्म इक्वली ज़्यादा ब्यूटिफुल है. और आई न्यू इट. मैंने कहा था कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैंने शायद थोड़ा सा स्पॉइलर भी दे दिया आप लोगों को. आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मतलब मैं किस बारे में बात कर रहा आप लोग समझ गए होंगे. ट्रेलर के दौरान मैंने कुछ कहा था. मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों के मेरे लिए, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा. अगर नहीं सुना है तो अच्छी बात है, बिल्कुल वापस मत जाइए और मत सुनिए. क्योंकि दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशन. बहुत ही दिल को दहकाने वाली मूवी है. आप ट्रेजिक फिल्म है लेकिन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और पावरफुल मैसेज भी है इसके पीछे. और इस मूवी को देखने के बाद आप ज़रूर जो फैमिली मेम्बर्स प्लीज़ आप इस फिल्म को ज़रूर अपने मम्मी पापा को दिखाइएगा बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ओल्डर जनरेशन के लोगों को देखने के लिए. क्योंकि उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पुराने ज़माने के नहीं हैं. उन लोगों की खुद की कोई ख्वाहिशें रहती है, कुछ आशाएँ रहती है, कुछ ड्रीम्स रहती है. शायद कुछ हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छे ना हो लेकिन वो किसी और चीज़ में अच्छे हों. जो चीज़ उन्हें पसंद है एटलीस्ट उनको एक चांस दीजिए कि वो उसको परस्यू कर सके, वो कोशिश कर सके कि उस चीज़ में कुछ कर पाए. अगर आपका साथ रहे ना एक बार अगर आपके पापा मम्मी और फैमिली का साथ रहे आपके साथ, तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है. वो कुछ भी कर सकता है चाहे कितनी बारी वो गिरे नहीं. अगर गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, राइट? तो आपको वो मौका देने की ज़रूरत है. तो आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि उसके भी कुछ ड्रीम्स है, उसकी खुद की ज़िंदगी है. आप हमेशा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये फिल्म वही सिखाता है. एंड आई लव दिस. आई ऑलरेडी लव दिस मूवी. आई नो दैट दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. और अगर आप लोगों ने वो बंगाली फिल्म नहीं देखी है आप अभी मत देखिए, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद उस फिल्म को भी देखिए बिकॉज दैट फिल्म इज इक्वली ब्यूटिफुल. द नेम ऑफ द मूवी इज चोलो पालटाई. अगर आप लोगों को देखना है दैट स्टार्स पुष्यंजीत चैटर्जी. ही वॉज इन द मूवी शंघाई, आपको याद होगा. सो equally brilliant film. So yes, I'm really happy. So I think Kapil Singh jo hai, Kapil Sharma, not Kapil Singh, ye director hai, acha produced by Kapil Sharma. Wow, that's amazing. Aur Sumeet Singh bhi hai. So and this is film directed by Vikram Grover. Definitely aap sabhi jaakar 12th, it's already hit the theaters. Maine matlab ye nikal chuki hai. Agar zarur ye torrent pe aata main zarur dekhunga, par kyunki yahan pe release nahi hui hai jitna mujhe malum hai. तो मैं ज़रूर इसको देखूंगा बिकॉज आई लव दैट मूवी. दैट मूवी इज सो क्लोज टू माई हार्ट. और या दैट वॉज अमेजिंग. आई लव द ट्रेलर. टोटल थम्स अप. गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और मुझे बताइए आपके व्यूज़. और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि एक बंगाली फिल्म का रीमेक एक पंजाबी फिल्म कर रहा है. इससे पता चलता है कि कितने क्लोज हैं हम एक दूसरे से. चाहे कितना भी हमको लगे कि हम दोनों की कल्चर्स अलग हो, बंगाली एंड पंजाबीज rock. So yes, I'm really happy that you guys suggested me. Thank you very much for this suggestion. आप लोग को मैं दोबारा मिलूंगा. और हाँ, इस फ्राइडे को मिलूंगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली दिस फ्राइडे को, नहीं तो सैटरडे को. इस वीक में ज़रूर दूसरा वाला सजेशन करूंगा. वेट कीजिएगा. आप लोग मैं दोबारा मिलूंगा. तब तक के लिए चाओ.